बच्चों, लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था? मात्राओं में आपने, यस, लास्ट क्लास में आपने सीखा था बिना मात्रा वाले शब्द, उसके बाद में आ की मात्रा वाले शब्द, उसके बाद ऑनलाइन क्लास में आपने क्या सीखा था? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अभी हम देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो आइए देखेंगे क से लेकर श तक छोटी ऊ की मात्रा हम कैसे लिखेंगे। क में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से क्या हो जाता है? कु, ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार। क में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से कु, ख में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से खु, क में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से गु, घ में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से घु, कु, खु, गु, घु, ग का प्रयोग नहीं होता इसमें। छ में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से छु, छु, जु, झु, ञ का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ट में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से टू, ठू, डू, ढू, नू, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, बू, भू, मू, यू। यहां पर र में जो है ना छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, लू, बु, शु, शु, सु, हु। क्ष में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से क्षु, त्रु, ग्यु, शु। और एक बार मैं इसे पढ़कर आपको बताती हूं। कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठू, डू, ढू, नू, तु, थु, दु, धु, नू, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, वु, शु, शु, सु, हु, क्षु, त्रु, ग्यु, श्रु। तो ये हो गया ओ की मात्रा, छोटी ओ की मात्रा हम क से लेकर श तक उसमें किस तरह प्रयोग करते हैं, किस तरह उसकी मात्रा हम लगाते हैं, वो आपको पता चल गया ना बच्चों। तो बच्चों अभी हम देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं। ये है कौन सा पिक्चर? ये यस, ये है रोज का पिक्चर, है ना बच्चों। कौन सा फ्लावर है? रोज, है ना। तो रोज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रोज को हम हिंदी में गुलाब कहते हैं, है ना बच्चों। तो गुलाब को हम कैसे स्प्लिट करते हैं? ग जोड़ छोटी ऊ की मात्रा, जोड़ ला, जोड़ ब, तो क्या हो जाता है? गुलाब। गुलाब मीन्स रोज। इसके बाद और एक पिक्चर है, तो ये कौन सा पिक्चर है? यस, ये है इयररिंग्स का पिक्चर, है ना बच्चों। गर्ल्स तो ज्यादातर पहनते हैं, गर्ल्स को बहुत ही पसंद है इयररिंग्स, है ना बच्चों। आप भी पहनते हो ना गर्ल्स? यस। तो झुमका, इसे हम क्या कहते हैं? इयररिंग्स को हम झुमका कहते हैं। झुमका को हम कैसे स्प्लिट करते हैं? ज जोड़ छोटी ऊ की मात्रा, जोड़ म, जोड़ का, तो क्या हो जाता है? झुमका। झुमका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इयररिंग्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? यस, ये है शर्ट का पिक्चर। तो शर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शर्ट को हम हिंदी में कुर्ता कहते हैं, है ना बच्चों। तो कुर्ता को हम कैसे स्प्लिट करते हैं? क जोड़ ऊ की मात्रा, जोड़ र, जोड़ ता, तो क्या हो जाता है? कुर्ता। कुर्ता मीन्स शर्ट। नेक्स्ट जो पिक्चर है, यह पिक्चर है कौन सा? ये यस, ए वन ए, एक फ्रूट का पिक्चर है। कौन सा फ्रूट है ये? यस, ये है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी आप तो जानते हो ना, ब्लैकबेरी फ्रूट खाए हो ना फ्रूट? यस। तो ब्लैकबेरी फ्रूट को हम क्या कहते हैं? हिंदी में जामुन कहते हैं, है ना बच्चों। तो जामुन को हम कैसे स्प्लिट करते हैं? जा जोड़ म जोड़ छोटी ऊ की मात्रा, जोड़ न, जामुन। जामुन मीन्स ब्लैकबेरी, है ना बच्चों। जामुन मीन्स ब्लैकबेरी। जा जोड़ म जोड़ छोटी ऊ की मात्रा, जोड़ न, तो क्या हो जाता है? जामुन हो जाता है। नेक्स्ट ये कौन सा पिक्चर है? यस, ये है
गिफ्ट, गिफ्ट आपको बहुत ही फेवरेट है ना, आपका भी अगर बर्थडे है तो कोई भी आपको क्या देते हैं बर्थडे के लिए, गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट, गिफ्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गिफ्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपहार कहते हैं, है ना बच्चों। तो उपहार को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, उ जोड़ प जोड़ ह जोड़ र, तो क्या हो जाता है उपहार। उपहार मीन्स गिफ्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना उ की मात्रा आई है ना बच्चों, उ की मात्रा आपको दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर लास्ट वर्ड में जो है ना उ डायरेक्ट आया है ना बच्चों। तो अगर उ डायरेक्ट है तो उ डायरेक्ट ही हमें रखना है, अगर उसकी मात्रा है तो हमें उसकी मात्रा रखनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आपको उस क्लियरली समझ में आ गया छोटी उ की मात्रा किस तरह होती है और उसका प्रयोग शब्द में किस प्रकार होती है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे बड़ी उ की मात्रा हम व्यंजन में कैसे लिखेंगे। तो क में बड़ी उ की मात्रा लगाने से क्या हो जाता है, को। ख में बड़ी उ की मात्रा लगाने से खो। क में बड़ी उ की मात्रा लगाने से गो। घ में बड़ी उ की मात्रा लगाने से घो। ङ को खो गो घो। ङ का प्रयोग जो है ना, ग का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ अभी क से लेकर श तक जो है ना इसमें बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग होता है। च में बड़ी उ की मात्रा लगाने से चो छो जो झो। ङ का भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। ट में बड़ी उ की मात्रा लगाने से टू ठू डो ढो नो। त में बड़ी उ की मात्रा लगाने से क्या हो जाता है, तो थो दो धू नो। प में बड़ी उ की मात्रा लगाने से पो फो बो भो मो। य में बड़ी उ की मात्रा लगाने से यो। र में बड़ी उ की मात्रा लगाने से क्या हो जाता है, रू हो जाता है। तो रू को हम इस प्रकार लिखते हैं। ल में बड़ी उ की मात्रा लगाने से लो वो शो शु सु हु। क्ष में बड़ी उ की मात्रा लगाने से क्षो त्रो ग्यो श्रु। और एक बार मैं आपको पढ़कर बताती हूँ किस प्रकार उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा हम लगाते। कु खो गो घो। चो छो जो झो। टो ठू डो ढो नो। तो ठू दो ढो नो। पो फो बो भो मो। यो रो लो वो शो शु सु फो। क्षो त्रो क्यो श्रो। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बड़ी उ की मात्रा व्यंजन में क टू क से लेकर श तक लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों किस प्रकार हम बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अभी हम ये बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं। यस, तो ये कौन सा पिक्चर है ये? यस, ये पिक्चर दिखा रहे कि ऊपर की ओर। तो ऊपर कहीं तो क्या है, ऊपर कहीं तो अप है ना बच्चों। तो ऊपर कहते हैं, ऊपर नहीं कहते हैं, है ना। प्रोनाउंसिएशन में भी आप जान सकते हैं कि कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं छोटी उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, है ना। तो ऊपर कहते हैं, ऊपर नहीं कहते हैं। ऊपर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसे स्प्लिट करते हैं, उ जोड़ प जोड़ र। तो ये क्या हो गया, ऊपर। ऊपर मींस अप। नेक्स्ट ये कौन सा पिक्चर है? यस, ये है फ्लावर का पिक्चर। तो फ्लावर मींस क्या है, फूल। फूल को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, फ जोड़ बड़ी उ की मात्रा जोड़ ल। तो क्या हो जाता है, फूल। फूल मींस फ्लावर। नेक्स्ट ये कौन सा पिक्चर है? यस, ये है झूला। झूला मींस स्विंग। तो झूला को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, झ जोड़ बड़ी उ की मात्रा जोड़ ला, क्या हो जाता है, झूला। झूला मींस स्विंग। नेक्स्ट ये कौन सा फ्रूट है? ये है वाटरमेलन। वाटरमेलन मींस कौन सा फ्रूट बताओ, तरबूज, है ना। तरबूज मींस वाटरमेलन। तरबूज को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, त जोड़ र जोड़ ब जोड़ उ की मात्रा बड़ी उ की मात्रा जोड़ ज, क्या हो जाता है, तरबूज। तरबूज मींस वाटरमेलन। ओके, नेक्स्ट ये कौन सा है पिक्चर? यस, ये है सन का पिक्चर, है ना बच्चों। सन का पिक्चर है। सन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सन को हम हिंदी में
सूरज कहते हैं, है ना, सूरज। तो सूरज को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, स जोड़ बड़ी उ की मात्रा जोड़ र जोड़ ज, तो वो क्या हो जाता है, सूरज, है ना। यस, सूरज मीन्स सन। तो और एक बार मैं इसे रिपीट करूंगी, आप भी मेरे साथ पढ़िए। ऊपर फूल, झूला तरबूज, सूरज, है ना बच्चों। तो अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया छोटी ऊ की मात्रा किस प्रकार होती है, बड़ी ऊ की मात्रा किस प्रकार होती है। छोटी ऊ की मात्रा जो है ना, छोटी ऊ की मात्रा जो है ना किस तरह होती है, इस तरह होती है। बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है। तो इन दोनों में फर्क है और प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। छोटी ऊ प्रोनाउंस करते वक्त थोड़ा समय लेते हो, ऊ अगर बड़ा ऊ आप प्रोनाउंस करे हो तो ऊ कहते हो, है ना, ऊ। तो इससे भी आपको पता चलता है छोटी ऊ बड़ी ऊ किस तरह प्रोनाउंस करते हैं और इसका शब्द भी हम किस तरह प्रयोग करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, छोटी ऊ की मात्रा 5 शब्द आपको लिखना है, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द आपको 5 लिखना है। ऐसे ही आपको हर एक मात्रा को प्रैक्टिस करते हुए आना है। तो इसके साथ में इस क्लास को यहाँ पर ही एंड करूंगी। तो फिर और एक क्लास में आपको और एक मात्रा के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई की ओर भी ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से मात्राओं का प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।